नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शास्त्रों में कई विभिन्न परंपराओं और धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार कुछ व्यक्तियों या प्राणियों या अन्य चीजों को नहीं देखना चाहिए। ये निषिद्धताओं का विषय है और व्यक्ति और संप्रदाय के आधार पर भिन्न हो सकता है, जिससे सहमत होना या न होना पूर्णता आप पर निर्भर करता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को देखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। दो, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष में खंडित चंद्रमा को उदयकाल में देखने से रोग होता है। तीन, शुक्र नीति के अनुसार सूर्य की ओर सर्वथा नहीं देखना चाहिए। चार, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब आकाश में एक ही तारा उगा हो उस समय उधर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा रोगों का भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारे को देख ले तो देवताओं के दर्शन और भगवान का स्मरण करके 7 बार नारद जी का नाम जपना चाहिए। पाँच, पद्म पुराण के अनुसार झूठे मुंह अथवा अशुद्ध अवस्था में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि को नहीं देखना चाहिए। इसी तरह ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश देने वाले द्विज के पास भी झूठे मुंह अथवा अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। छह, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार मल मूत्र की ओर नहीं देखना चाहिए। सात, शुक्र नीति के अनुसार चमकीली, सूक्ष्म, अस्थिर, अपवित्र और अप्रिय वस्तुओं को निरंतर नहीं देखना चाहिए। आठ, विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार जल में और तेल में अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। नौ, कूर्म पुराण के अनुसार शव का स्पर्श किए हुए व्यक्ति को, क्रुद्ध गुरु के मुख को, तेल और जल में पड़ने वाली छाया को, खुले हुए अंगों वाली स्त्री को, पागल एवं मत वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। 10. कूर्म पुराण के अनुसार पत्नी को भोजन करते हुए, छींकते हुए, जम्हाई लेते हुए तथा आसन पर स्वेच्छा से बैठे रहने की अवस्था में नहीं देखना चाहिए। 11. पद्म पुराण के अनुसार जल में अपना रूप, नदी आदि का किनारा और गहरे गड्ढे को नहीं देखना चाहिए। 12. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जल में सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने से मनुष्य को शोक की प्राप्ति होती है। 13. मनुस्मृति के अनुसार नग्ना पर स्त्री अथवा पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। 14. महाभारत के अनुसार जो दूषित हृदय से किसी नग्न स्त्री की ओर देखते हैं वे पापी मनुष्य सदा रोग से पीड़ित होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।